हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज फिर से एक लेटेस्ट और यूनिक वीडियो लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियोस पे मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक यूट्यूबर हैं, यूट्यूब में आप वीडियोस वगैरह बना रहे हैं और यूट्यूब पे आप वीडियोस बना के डाल रहे हैं, तो कभी आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आपके वीडियो कोई और अगर दूसरा आदमी, कोई दूसरे चैनल्स वाले इस्तेमाल कर रहा है, या फिर आपके वीडियोज को कहीं और वो दूसरे चैनल्स पे अपलोड कर रहा है यूट्यूब में, तो फिर आप क्या करोगे? अगर आपके साथ अभी तक ऐसा नहीं हुआ है तो कभी भी हो सकता है। जब आप बड़े यूट्यूबर बन जाएंगे तो आपके वीडियोस, आपके फोटोज, आपके हर एक कॉन्टेंट बहुत सारे छोटे मोटे यूट्यूबर्स या फिर बहुत सारे ऐसे ही दुनिया में लोग हैं जो आपके कॉन्टेंट का इस्तेमाल करना चाहेगा, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं? तो यूट्यूब की तरफ से एक फीचर्स है जिसको कॉपीराइट स्ट्राइक जो होता है ना, कॉपीराइट स्ट्राइक आप दे सकते हैं उस यूट्यूब चैनल्स को। तो कॉपीराइट स्ट्राइक आप यूट्यूब पे कहाँ से देंगे, कैसे देंगे? तो आज के इस वीडियोस पे मैं आपको यही बताने वाला हूँ और पूरी डिटेल्स में आज के इस वीडियोस पे हम सीखने वाले हैं कि अगर हमें कॉपीराइट स्ट्राइक किसी भी चैनल पे देना है या फिर उस चैनल पे हमारे वीडियोस को अपलोड किया है, तो उस चैनल से हम अपने वीडियोस को किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, इसके लिए हम यूट्यूब को कैसे जो है सबमिट करेंगे रिक्वेस्ट, यूट्यूब तक कैसे हम अपनी बात को पहुँचाएंगे, यूट्यूब के साथ कैसे हमारा कॉन्टेक्ट होगा, कौन सा फॉर्म को कहाँ से कैसे हम फिलअप करेंगे जिससे यूट्यूब को ये चीज़ पता चलेगा और फिर यूट्यूब हमारे उस वीडियोज को उस चैनल से हटा देगा, रिमूव कर देगा। तो पूरी डिटेल्स में मैं आज आपको इसी वीडियो पे ये चीज बताने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा एंड वीडियो को द एंड यानी लास्ट तक देखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जैसे कि हर एक वीडियो पे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको पता है यार, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके, इतनी कष्ट करके मैं वीडियोज बनाता हूँ और वीडियोज लेकर आप सभी के लिए लेकर आता हूँ, बट आप लोग लाइक नहीं करते। तो प्लीज यार, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपके मन पे किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल होता है ना, तो नीचे यार वीडियो का कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, इजीली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसी प्रकार का लेटेस्ट यूट्यूब वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए आप अपना यूट्यूब चैनल राजा रॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मैं लेकर चलता हूँ आप सभी को मेरे डेस्कटॉप की ओर और फिर हम देखते हैं कि हम अपने यूट्यूब वीडियोज का कॉपीराइट स्ट्राइक किसी अदर चैनल को कैसे दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं आ चुका हूँ मेरे डेस्कटॉप पे एंड यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ गूगल क्रोम का ब्राउजर। आप जो भी ब्राउजर को इस्तेमाल करते हैं उस ब्राउजर को आपको फटाफट से ओपन कर लेना है, देन आपको यूट्यूब के वेबसाइट पे लॉगिन कर लेना है। यूट्यूब को ओपन करने के बाद देन इसके बाद आपको करना क्या है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप अपने चैनल्स पे जाइए। व्यू चैनल्स पे जाने के बाद कस्टमाइज चैनल्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप चैनल कस्टमाइजेशन पे क्लिक करते हैं, आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। सिंपल सा एकदम टिप्स एंड ट्रिक आपको बताऊंगा जो कि इजीली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप यूट्यूब पे लॉगिन करने के बाद जो यूट्यूब का स्टूडियो है, बेटा वर्सन यूट्यूब स्टूडियो पर आप आ जाएंगे। आने के बाद आपके सामने में कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिख जाएगा और यहाँ पे साइड कॉर्नर पे ना आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे सेटिंग्स का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। देन इसके बाद आपको यहाँ पे डेस्क About, content, analytics, comment, subtitle, copyright और यहाँ पे earn, customization and audio library का option आपको देखने के लिए मिल जाता है। बट हमें क्या करना है भैया, copyright से related जानना है, सीखना है, तो हम क्या करेंगे, copyright पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप copyright पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए, अगर आपका यहाँ देखिए रिमूवल रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे मैसेज दिख रहा है और यहाँ पे आर्काइव करके अगर कुछ आप मैसेज को रखते हैं तो वो आपको दिखाई देगा मैसेज क्या है। यहाँ पे अगर आप किसी अदर चैनल्स को मैसेज करते हैं तो यहाँ पे आपके मैसेज सेंटर पे दिखेगा, बट हमने अभी तक किसी को मैसेज नहीं किया इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। और रिमूव वन रिक्वेस्ट जो है ना, यही है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। जब हम रिमूव करने के लिए हमारे वीडियोस को कोई अगर अदर्स यूट्यूब चैनल्स पे अपलोड हो रहा है, कोई अगर हमारे वीडियोज को इस्तेमाल कर रहा है कॉन्टेंट को, तो हम जब रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे यहाँ पे रिमूव का जो रिक्वेस्ट होगा वो सारे के सारे हमें दिख जाएगा। और यहाँ पे जो ये मैचेस का ऑप्शन दिख रहा है ना, ये मैच जो लिखा हुआ है यहाँ पे, हमें वो सारे वीडियोस देखने के लिए मिल जाएगा। हमें पता भी यहीं से चलेगा कि ये हमारे वीडियोस को कौन कौन यूट्यूबर इस्तेमाल कर रहा है या फिर कहाँ कहाँ पे लोग हमारे वीडियोस को इस्तेमाल कर रहा है, जिसको जिसको हम कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हैं या तो फिर हम उनके चैनल से अपने वीडियोस को हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरा ये चैनल है, इस चैनल पे यहाँ पे मैचेस या कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे अगर कोई मेरा इस चैनल का वीडियो को कोई दूसरा यूट्यूबर अगर इस्तेमाल करता यूट्यूबर, तो यहाँ पे मैच में मेरे को दिखता, बट यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब है कि मेरा वीडियोज कोई भी यूट्यूबर यूट्यूब में मतलब कॉपी नहीं कर रहा है, इस्तेमाल नहीं कर रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा एक दूसरा चैनल से
अच्छा चलिए मैं सबसे पहले उस चैनल्स को लॉग इन कर लेता हूँ, स्विच अकाउंट कर लेता हूँ मैं दूसरी बार चैनल्स को, और फिर मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा दूसरे चैनल्स पे मेरे को ये चीज़ दिखने के लिए मिल जाएगा। तो मैं फटाफट उस चैनल्स को यहाँ पे जाता हूँ, मैंने उस चैनल्स को यहाँ पे देखिए लॉग इन कर लिया। लॉग इन करने के बाद मैं फिर से इनके डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ, एक बार इसको कट करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, देन फिर यहाँ से व्यू और चैनल्स पे क्लिक करते हैं। व्यू और चैनल पे क्लिक करने के बाद जो है ना, देखिए हमारे पास ये वाला चैनल्स मेरा आ गया, जो कि देखो ये भी चैनल्स मेरा ही है सवाल जवाब। इस पे मैं क्लोथिंग मार्केट से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, अगर आप कभी नहीं देखे हैं तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं वीडियो सेक्शन पे। क्लोथ मार्केट से रिलेटेड होता है, काफ़ी पुराना चैनल है ये मेरा। तो चलिए चैनल कस्टमाइजेशन पे क्लिक किया, सेम वही मैंने जैसे कहा था, देखिए ये वाला चैनल्स है, यहाँ पे मैं कॉपीराइट पे क्लिक करूँगा। कॉपीराइट पे क्लिक करते देखिए इस चैनल्स पे मेरा चार वीडियोस है, इस चैनल का मेरा चार वीडियोस है जो कि कोई दूसरे यूट्यूबर इस्तेमाल कर रहा है, यानी अपने यूट्यूब चैनल्स पे डाल रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे जब मैं रिमूवल रिक्वेस्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ देखिए देखिए चलिए ये वाला एक वीडियोस है जो कि मेरा चैनल है, हाउ टू मोनिटाइज यूट्यूब वीडियो, यूट्यूब वीडियोस के हम मोनिटाइज कैसे कर सकते हैं। कोई एक यूट्यूबर है शायद, देखिए ये है जेएस टेक्निकल और ये है अप्पा मिसाल बोल के कोई यूट्यूबर है, ये दो यूट्यूबर है जो कि मेरे इस दो वीडियोस को इस्तेमाल कर रहे हैं, हाउ टू मोनिटाइज वाला जो मेरा वीडियोस है इसको इस्तेमाल करते हैं। एक बार देखिए मैं इस पर ओपन अगर करूँगा ना तो यहाँ पे इस तरीके से प्ले करने का जो बटन है यहाँ पे आ जाएगा, देखिए आपको देखिए दिख रहा है सवाल जवाब का मेरा ये वीडियोस है जो कि पूरा ये मेरा ही वाला वीडियोस है। देखिए ये मेरा चैनल्स का वीडियोस है, सवाल जवाब यूट्यूब चैनल्स का पूरा वीडियोस इन्होंने इस्तेमाल कर रखा है अपने चैनल्स पे डाला। ये चैनल का नाम देखो अप्पा मिसाइल उनके कोई चैनल है, मेरे वीडियोज़ को पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके या फिर अपने चैनल्स पे बंदे ने डाल दिया, काफ़ी टाइम पहले डाला है ये, देखो कम से कम 6 साल पहले इन्होंने डाला था ये वीडियोज़ मेरा। मैं कभी स्ट्राइक वगैरह नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं करने, बट मैं आज इनको स्ट्राइक देने वाला हूँ, ये वीडियोस बना रहा हूँ तो मैं आज इसी का इस्तेमाल करके इसको ही स्ट्राइक दूंगा और वीडियोस आप लोगों को बना के समझाऊंगा दिखाऊंगा। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको कट कर देता हूँ, जैसे चार वीडियोस है तो मैं क्या करता हूँ इस चारों वीडियोस को मैं यहाँ से कर लेता हूँ सेलेक्ट। ये चारों वीडियोज़ को हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, एक बार में कम से कम आप 50 वीडियोज़ को यहाँ पे मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 50 वीडियोज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास चार वीडियोज़ है जो कि मेरे चार वीडियोज़ चार अलग अलग यूट्यूबर इस्तेमाल कर रहे हैं, इन चारों यूट्यूबर्स को मैं अभी देने वाला हूँ स्ट्राइक और मैं रिक्वेस्ट करूंगा यूट्यूब को कि भैया इन लोगों के चैनल से मेरे इस वीडियोस को अभी के अभी डिलीट करो, रिमूव करो और हटाओ। तो चलिए मैंने इन सारी इन दो वीडियोस को मैं करता हूँ, एंड देन यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट रिमूवल यहाँ पे है ना साइड पे दिखाई देगा आपको रिक्वेस्ट रिमूवल का, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही रिक्वेस्ट रिमूवल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये वीडियोस हमारे दोनों के दोनों यहाँ पे आ गया है। एंड देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है, कॉपीराइट ऑनर का जो ऑप्शन है ना यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स फिल करना है, मैं आपको बता देता हूँ, देन मैं यहाँ पे डिटेल्स फिल करूंगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा माई सेल्फ माई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन और क्लाइंट, अगर आप किसी क्लाइंट के लिए आपका कोई कंपनी रजिस्टर है ऑर्गेनाइजेशन है तो आप ये सेलेक्ट करेंगे, या फिर आप खुद के लिए कर रहे हैं खुद ही कर रहे हैं माई सेल्फ जैसे मैं खुद ही कर रहा हूँ तो ये। उसके बाद यहाँ पे कॉपीराइट ऑनर का नेम, यहाँ पे आपको अपना रियल नाम डाल लेना जो भी आपका नाम है, एंड यहाँ पे फोन नंबर रिक्वायर्ड है आपको यहाँ पे अपना फोन नंबर डाल लेना है। देन यहाँ पे प्राइमरी ईमेल एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा तो ये ईमेल एड्रेस है, सेकेंडरी ईमेल एड्रेस अगर आपको डालना हो तो आप डाल सकते हैं, अदर साइड में नहीं डालेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। देन यहाँ पे देखिए रिलेशन टू कॉपीराइट कंटेंट, कॉपीराइट कंटेंट के साथ में रिलेशन क्या है यहाँ पे लिख दीजिए माय वीडियोस, माय वीडियोस यहाँ लिख देंगे, जैसे यहाँ पे आपको लिख देना है माय वीडियोस। एंड देन कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट करना है, कंट्री आप जिस भी कंट्री से, जैसे मैं इंडिया से हूँ तो मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लूँगा, INDIA इंडिया। एंड यहाँ पे स्ट्रीट आपको डालना है, यहाँ पे फिर सिटी डालना है, स्टेट डालना है, पिन कोड यहाँ पे डालना है। एंड देन ये सभी चीज़ डालने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो रिमूवल का ऑप्शन है, यहाँ पे दो चीज़ है, इसको आप विस्तार से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे शेड्यूल सेंड ए 7-day नोटिफिकेशन नोटिस, मतलब 7 दिन का यहाँ पे आप इसको नोटिस देना चाहते हैं तो 7 दिन हम इसको टाइम दे सकते हैं, 7 डेज का नोटिस दीजिए। ये अगर ये 7 डेज के अंदर खुद ही रिमूव कर दिया डिलीट कर दिया तो अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए क्या इनको बार बार फॉलोअप करना पड़ेगा, लेकिन मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, उतने टाइम नहीं है जो मैं इनको बार बार फॉलोअप करूँ। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे मैं करने वाला हूँ एक्सटेंडर रिक्वेस्ट रिमूवल नाउ के बटन पे क्लिक, रिक्वेस्ट रिमूवल नाउ के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, यहाँ पे आपको ये तीनों को पढ़ के वो कर लेना है। देन यहाँ पे आपको अपना नाम लिख लेना है, जैसे कि यहाँ पे
सिग्नेचर रिक्वायर्ड है, यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देंगे तो ये आपका साइन हो जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ राजा रॉक, एंड देन इसके बाद यहाँ पे साइड पे देखते हैं सबमिट का बटन है, यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। तो मैं पहले ऊपर की जो ये डिटेल्स है ना, इन सभी डिटेल्स को फॉर्म को फिलअप कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स सारे डिटेल्स फिलअप कर लिया है मैंने, देन इसके बाद हम सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैंने इसको टिक मार्क नहीं किया था, अब हम सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक कर देते हैं तो ये जो हमारा फॉर्म है ना, ये हो जाएगा सबमिट। देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा कॉपीराइट कंप्लेंट सबमिटेड, व्यू प्रोग्रेस, कॉपीराइट कंप्लेंट जो है हमारा सबमिट हो चुका है। आप देखिए यहाँ पे रिमूवल रिक्वेस्ट है ना, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आप स्टेटस देख सकते हैं, रिक्वेस्ट स्टेटस क्या है, इन प्रोग्रेस पे है अभी। फाइंड मैचेस इनएक्टिव, इनएक्टिव दिखा रहा है, इन प्रोग्रेस मतलब अंडर रिव्यू पे है ये। फिर यूट्यूब क्या करेगा, इसको रिव्यू करेगा, देखेगा, वेरीफाई करने के बाद इसको फिर अप्रूव हो जाएगा और ये जो कंटेंट है यूट्यूब के तरफ से उनके चैनल में से डिलीट कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। जब ये चीज़ हम डाल देते हैं तो हमारे पास क्या होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास यूट्यूब के तरफ से कुछ मेल भी आ जाता है, देखिए। सो देखिए अभी मेरे पास मेल आया नहीं है, आपके पास हो सके तो ईमेल आ सकता है यूट्यूब की तरफ से, बट एक ईमेल तो 100% में 1000% गारंटी के साथ बता सकता हूँ जो कि आएगा ही आएगा, और वो होता है जब ये अप्रूव हो जाएगा या फिर कोई भी यहाँ से डिसलाइन किया जाएगा या जो भी इनका स्टेटस होगा, जब ये डिलीट हो जाएगा या फिर कुछ भी होगा स्टेटस, उसका आपको ईमेल जरूर आएगा यूट्यूब के तरफ से। तो इस प्रकार से आप इजीली अपने जो कॉपीराइट क्लेम है, स्ट्राइक है, आप किसी भी यूट्यूब चैनल्स को इस प्रकार से दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स था ना काफी ही आसान और इजी स्टेप यूट्यूब के तरफ से कॉपीराइट स्ट्राइक देने का किसी भी यूट्यूब चैनल्स पे। अगर आप उस कॉन्टेंट का ऑनर है तो आप इस प्रकार से कॉपीराइट स्ट्राइक यानी रिमूवल रिक्वेस्ट को सबमिट कर सकते हैं, फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। आपको यूट्यूब को कोई भी ईमेल नहीं करना है, कॉन्टेक्ट नहीं करना है, कॉल नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। जस्ट आपको यूट्यूब चैनल्स पे लॉग इन करना है, YT स्टूडियो पे जाना है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया बारीकी से, स्टेप बाय स्टेप, काफ़ी ईजी है, सिंपल सा प्रोसेस है जो कि आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपको कभी ऐसा ज़रूरत पड़े तो आप इस प्रकार से कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हैं, अपने वीडियोस यानी अपने कॉन्टेंट को किसी और बंदे को इस्तेमाल करने के लिए नहीं दे सकते और उनके यूट्यूब चैनल से आप डिलीट भी करवा सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड इसी प्रकार का लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप अपना यूट्यूब चैनल राजा रॉक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपके मन पे किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कॉमेंट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ एक लेटेस्ट और यूनिक वीडियो पे। फिलहाल आज के इस वीडियो पे इतना ही, बाय, टेक केयर एंड वी आर थैंक्स फॉर वॉचिंग।